हेलो नमस्ते, मैं हूँ रितु तिवारी और बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल पे। आज हम बना रहे हैं वर्ल्ड फेमस डिश एंड दैट इज वेजिटेबल हक्का नूडल्स। वेजिटेबल हक्का नूडल्स रेस्टोरेंट स्टाइल। आप बिल्कुल बता नहीं पाओगे कि ये घर पे बनी है या रेस्टोरेंट में। और मैं साथ में कुछ टिप्स भी शेयर करूंगी कि जब आप चाइनीज कुकिंग करते हो तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो जैसा कि आप देख रहे हो, सबसे पहले हमें इसके लिए वेजिटेबल्स कट करने हैं। वेजिटेबल्स हम लॉन्ग और वेरी थिन कट करेंगे। मैंने यहाँ पे कैबेज लिया है, ग्रीन कैप्सिकम लिया है, स्प्रिंग ऑनियन है और स्प्रिंग ऑनियन के बल्ब जो हैं वो भी बहुत बारीक काट लिए हैं। तो सबसे पहला टिप तो यही है कि वेजिटेबल्स आपके बहुत थिन स्लाइस होने चाहिए, बड़े पतले आपको काटने हैं। कैरेट भी लिया है हमने, कैरेट को भी बहुत थिन काट लिया है। अब ये है रेड कैप्सिकम, लाल शिमला मिर्ची, इसे भी हम बहुत थिन स्लाइस कर लेंगे। तो हमारी सब्जियां आप देख रहे हैं, सारे वेजिटेबल्स रेडी है। ये है पार्सले। मोस्टली चाइनीज डिशेज में पार्सले डाला जाता है। आप चाहो तो इसकी जगह धनिया कोरिएंडर भी डाल सकते हो। अब हम डालते हैं गार्लिक, लहसुन। लहसुन को हम बहुत फाइनली चॉप करेंगे। चलते हैं गैस की तरफ। ये मैंने हक्का नूडल्स ली है जिसे हम पानी में बॉईल करेंगे। इसमें हमें डालना है 4-5 ड्रॉप्स ऑफ ऑयल और थोड़ा सा सॉल्ट। नूडल्स को बिल्कुल गलाना नहीं है, हमें हल्का पकाना है और फिर इसे छान लेना है। अब चाइनीज कुकिंग कर रहे हैं तो वोक तो चाहिए। वो नॉनस्टिक हो तो बहुत अच्छा है, पर अगर आपके पास लोहे का है तो बेस्ट है। अब इसमें हम तेल डाल देते हैं 2 चम्मच और फिर हम डालेंगे हमारे कटे हुए लहसुन। तेल अच्छा गर्म होना चाहिए। बस 1 मिनट जब इसको हम चला देंगे तो हम बस इसका कच्चापन निकालना चाहते हैं। टेस्ट तो हमें गार्लिक का चाहिए ही चाइनीज में। तो दूसरा टिप ये है कि आपकी जो फ्लेम है वो कभी भी लो नहीं होनी चाहिए। सारी कुकिंग आपको हाई फ्लेम पे करनी है। जो भी चीजें आपको चाहिए तो वो सब आपके पास होनी चाहिए जिससे कि आप फटाफट डाल सको और कोई भी चीज आपकी जले ना। इसमें हमने स्प्रिंग अनियन बल्ब डाल दिए हैं, जो व्हाइट पार्ट होता है हरे प्याज का। बस 30 सेकंड के लिए हम इसे चलाएंगे। अब हम इसमें डाल देते हैं कैरेट, गाजर, इसे भी थोड़ा सा चला देते हैं और अब हम अपनी रेड और ग्रीन कैप्सिकम इसमें डाल देते हैं। आंच बहुत तेज है इसलिए 30 सेकंड्स के लिए इसको हम सॉटे कर रहे हैं ऑयल में, जिससे कि हमारी सब्जियां पक जाए पर क्रंची रहे। अब हम अपने स्प्रिंग अनियंस इसमें डाल रहे हैं, हरा प्याज। थर्टी सेकेंड पकाने के बाद में हम इसमें डालेंगे कैबेज, पत्ता गोभी। ये थोड़ा टाइम आ रहा है, इट्स ओके। अब इसमें हम डाल रहे हैं 1/2 चम्मच चीनी, शुगर और 1 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच काली मिर्ची। काली मिर्ची का पाउडर है ये, ब्लैक पेपर पाउडर।
अब ये है अजीनोमोटो, ये बिल्कुल ही 1/4 स्पून है, 1/4 टीस्पून है। आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, लेकिन अगर आप बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनाना चाहते हो तो चाइनीज फूड अजीनोमोटो के बिना बन ही नहीं सकता है रेस्टोरेंट स्टाइल। लेकिन अगर हम घर पे बना रहे हैं तो हम बिल्कुल इसको अवॉइड कर सकते हैं। तो हल्का सा हम इसको पका लेंगे अब अपनी सब्जियों को, और इसमें डालेंगे 1 टीस्पून सोया सॉस और 1 टेबलस्पून रेड चिली सॉस। अब सॉस को हम थोड़ा 30 सेकेंड के लिए पका लेंगे। सब्जियां हमारी रेडी हैं, तो अब इसमें हम नूडल्स मिला देते हैं। नूडल्स को मिलाने के लिए आप हमेशा एक फोक और एक चम्मच का यूज करो। इसे हमें थोड़ा सा ऊपर उठा उठा के मिलाना होता है, जिससे कि हमारे सॉस और सब्जियां हर एक नूडल्स में लग सके। और नूडल्स खुली खुली बननी चाहिए। आपको दिखाऊं कैसे? ये देखो, तो चलो हो गया है अपना ये। तो लास्ट में हम इसमें डालते हैं विनेगर और इसको थोड़ा सा मिला देते हैं। अभी ये पूरा बना नहीं है क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट चीज बाकी है, वो है इसकी गार्निशिंग स्प्रिंग ऑनियंस के साथ। आप भी मजे लीजिए इस रेस्टोरेंट स्टाइल हाका नूडल्स के, और जब खाओगे तो मुझे याद जरूर करना। और हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब के बिना नहीं जाना है। ओके, तो मिलेंगे हम बहुत ही अच्छी रेसिपीज के साथ में नेक्स्ट वीडियोस में। उसके लिए आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो, बेल आइकन को भी टैप कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।